हेलो फ्रेंड्स, मुँ आपण मानक वेलकम करुच्ची आपण मानक प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिया गार्डनर को। तो फ्रेंड्स, आपण माने जेमिति वीडियो रे देखि परथिबे, ए जो छोटो छोटो पोको आम प्लांट रे लागी छथि, मंदार गछ रे लागी छथि, तो हुए तो जितकी व्यूअर्स आम वीडियो को देखु छथि, तो समस्त जेमिति हेले प्रॉब्लम निज प्लांट रे फेस करथिबे, तो सेही प्रॉब्लम को नेकी आज हमर वीडियो। तो आसंता आज आम वीडियो डिस्कशन करबा कोन से पोको एवं कोन पे आम प्लांट रे लागी थै एवं आमे तको केमिति इजीली आम प्लांट रु दूर करि परिबा। तो चलते आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, जमीक आप देखिपे वीडियो रे जो छोटो छोटो पोक लगी कीट लगी कही मिलीबग। मिलीबग हूँ गोटे बग रोटे भेर जोटा कि आम प्लांटर पत्र कि डाल लगी थाए जहाद्वारा कि कौन होता है से प्लांट रूर मीठा अंशटा संग्रह कराफल कि आम प्लांट धीरे धीरे शुष्क हुए और कला पड़े तापर हलदिया पड़े कि आम प्लांट मरी जाए। जदि प्लांट आप न मरू तेल आपड़ देखिए आप प्लांट पूरा ड्राई कर दिए जहाद्वारा कि आप प्लांट ग्रोथ कमी जाए। तो से जिते बड़े भी आपंप प्लांट आई भाव मिलीबग देखुं तार इमिडियट ट्रीटमेंट आप करूँ। तो आसत आज आम भिडे जाना आम या कमी ट्रीट करवा आम प्लांट को कमी हेल्दी रखा। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने मैक्सीम टाइम देखी थे जब आप प्लांट में मिलीबग आटाक करते देखिए बहुत मात्रा पिंपुड़ी और छोट छोट कीट कि पोक आपण प्लांट में सब बुलू था कौन पर से मिलीबग उत्तम बंधु होता जो जहाद्वारा कि मिलीबग जिते बड़े आप प्लांट रू मीठा अंश संग्रह करते हैं से स्टोर कर रखती पिंपुड़ी और छोट छोट पोक मैंने द्वारा आट्राक्ट होती से गुड़िक खाई था जहाद्वारा कि भितर बंधुता भल रही है। तो से आपण मानक दुईटा जाक जिन दूर करवाक पड़े। तो जदि आपण मैंने केमिकल चाहिए केमिकाल मेडिसिन मिलूँ आप स्प्रे करेंगे किंतु मुझे आज वीडियो रे जीरो कॉस्ट मेथड बताइबी जहाद्वारा कि आप बिना गोटे टंका खर्च रे आप मागणारे आपंकर प्लांट रू मिलीबग दूर करें और संपूर्ण घर उपचार और सबुठ बेस्ट उपचार होता है यहाद्वारा 100% ग्यारंटी रही है आपंप प्लांट रू मिलीबग दूर हो जाए। तो आसत आम वीडियो डिस्कशन करवा कौन कौन उपचार ये प्रयोग कर। तो फास्ट जदि मुझे कह तो आपण मैंने जदि आप प्लांट देखुंत मिलीबग स्टार्ट होने बहुत कम मात्रा अच्छा तेल आपड़ बाय हैंड मैंने निजे हाथ में आप प्लांट दूर करने को चेस्टा करूँ। जदि आप प्लांट टी अधिका होती मानने मिलीबग संख्या 20-30 रही आप करूँ आप प्लांट को सब पानी गाधंतु मैंने आप भलसे पाते सावर करके आप प्लांट रू मिलीबग गुड़ छड़ा जदि सेमती करेंगे तो आप प्लांट रू मिलीबग दूर हो पारे नचे थर्ड प्रोसेस जोटा रोचे आपड़े कि इनसेक्टिसाइड फंगिसाइड आपड़े स्प्रे करेंगे। तो मुझे घर ट्रिक बताइबी आपड़ केमी घर ट्रिक द्वारा एथर मिलीबग दूर करेंगे। तो घर ट्रिक आम प्रथम एथेरे ना मानने जेकोसी प्रकार आपे शैंपो अच्छी कि हैंडवाश जदि आपे डेटल हैंडवाश अच्छी तेल सब बेस्ट हे कि आपरे जदि शैंपो अच्छी कि लिक्विड डिशवाश अच्छी तो ताको आपड़ यूज करेंगे। तो मुझे पा बोटल नहीं गोटे स्प्रेयर नहीं एथेरे आम गोटे लिटर पा ना तो से पाने आम डेटल हैंडवाश ये भाव डेटल हैंडवाश 3 ml एड करवा गोटे लिटर पा 3 ml डेटल हैंडवाश एड करवा सहित मुझे कि नीम ऑयल नहीं तो आम नीम ऑयल मिक्स करवा कहीं नीम ऑयलटा आम एक ऑर्गेनिक रहुची एवं एटा हमर प्लांट पे किसी क्षति करना था जहाद्वारा कि आम प्लांट मध्ये हेल्दी रहिबो। तो मुझे नीम ऑयल 1/2 ml एड कर गोटे लिटर पानी रे 1/2 ml नीम ऑयल आउ 3 ml मुझे डेटल हैंडवाश एड कर आम या भलसे पानी रे मिक्स करी प्लांट रे स्प्रे करेंगे। तो आपण मैंने गोटे भल स्प्रेयर निप्रेयर में आपको प्लांट टोटाल पत्रर उपर तले आपर प्लांट स्टेम मानने डाल गुड़िक जो रही तो से आपको भलसे स्प्रे करूँ जहाद्वारा कि आपंकर जिते भी मिलीबग थे से सब मिलीबग आप देखिए गोटे रू 2 घंटा भितर आपण प्लांट रू मरिकी से सब धीरे धीरे तौक झड़वा स्टार्ट करेंगे। तो जमीक आप देखिपे मुझ बर्तन मो प्लांट ये जो मिलीबग लगी तो मुझे बर्तन से मोर जो मिक्सचरटा तैयारी करी बर्तन स्प्रे करी ताको स्प्रे करवा द्वारा आपंकर जिते भी मिलीबग थे से फास्ट स्टेज पाखापाखि 80% मिलीबग मरी जाती से प्लांट रू झड़ जाती तो आप नेक्स्ट 20% मिलीबग रही जाती तो ताको आपड़ के दूर करेंगे ना आप गोटे दिन पर मानने जो दिन आप स्प्रे कले तार गोटे दिन छाड़ी
ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ସେମ୍ ଡୋଜ୍ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ବି ମିଲିବକ୍ ସେଥିରେ ରହିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମରିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେହି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ତ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ମାନେ ଏଇ ମିକ୍ସରଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି କିଛିଟା ବି ମିଳିବକ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଚାଲିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ଅଧିକା ଅଧିକା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକରି ଚାଲିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ମିଳିବକ୍ ସେଥିରୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50-60% ମିଳିବକ୍ ସେଥିରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏ ସ୍ପ୍ରେଟା ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ତ ଏହାର ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିମ୍ବା ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିନ ସମୟରେ ତା'ର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଏ ଯେଉଁ ଶାମ୍ପୁର ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସବୁ ମିଳିବକ୍ ମରି ନଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ମିଳିବକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼ନର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।